दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पिछला साल हमारे लिए कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों ये पैंडेमिक, कोविड-19 और लॉकडाउन। लेकिन दोस्तों, इसी के चलते ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है। दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में इजाफा होने का सबसे बड़ा कारण है ये लॉकडाउन। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते हम सब लोग घर पर रहते और हमें जैसे किराने का सामान लाना हो, किसी फ्रेंड को देने हो या जो भी काम हो, वो सब तरह के काम दोस्तों अब हम ऑनलाइन करने लगे हैं। अगर हमने किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और गलती से वो किसी दूसरे के अकाउंट में चले गए, तो हम क्या कर सकते हैं? वो पैसे वापस लाने की क्या प्रोसेस है और क्या वो पैसे आ सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते वक्त गलती से किसी और के अकाउंट में चले गए, ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स लेकर आपके बैंक में जाइए और उनको सब कुछ बताइए क्या हुआ और किस तरह से गलती से आपके पैसे दूसरे अकाउंट में चले गए। ऐसे में दोस्तों, सामने वाले का अकाउंट अगर उसी बैंक का है तो वो बैंक उसका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, और दोस्तों इनकेस अगर उसका अकाउंट दूसरे किसी बैंक का है तो आपको उस ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल्स लेकर उस बैंक में जाना होगा और उस बैंक में जाकर सारा माजरा बताना होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह की गलती से पैसे उसके अकाउंट में चले गए। उसके बाद दोस्तों, वो बैंक वाले उसका अकाउंट फ्रीज कर देंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों ही केसेस में उसका अकाउंट फ्रीज होने के बाद उसको बताया जाएगा कि गलती से आपके पैसे उसके अकाउंट में चले गए और उसकी परमिशन से वो पैसे आपके अकाउंट में फिर से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके, उस सामने वाले व्यक्ति ने अगर मना कर दिया कि वो पैसे आपके अकाउंट में फिर से ट्रांसफ़र नहीं कर दिए जाएंगे, तो उसके ऊपर आप लीगली केस कर सकते हो, लीगली एक्शन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, ऐसे में आपके अगर दावे झूठे निकले तो लीगली एक्शन आप पर भी लिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, ऐसा करते वक्त आप ये ध्यान रखिए कि आपका दावा सही हो और आपके पास पुख्ते सबूत हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए MX4U।